तो इधर से देखोगे तो गलत लगेगा। बाहर की प्रवृत्ति में ही सब ऐसा है ना। ज्ञानी आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं करता, आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ नहीं करता। ज्ञानी आत्मा यानी क्षणिक संबंध, कोई भी अज्ञानी भी। हाँ, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन आपको पढ़ाया था आश्रम बंध संबंध निर्जरा मोक्ष। हाँ। तो जीव का आश्रम बंध में अभाव है। आश्रम बंध जीव का होने पर भी जीव में आश्रम बंध का अभाव है। क्या बोला? जीव में होने के लिए जीव का है, जीव में नहीं। हाँ, जीव में रहता है, जीव का रहता है, लेकिन जीव में अभाव है। बहुत समझने लायक बात है, ये लाइन पकड़ लोगे तो जिंदगी गलती नहीं होगी। जीव में आश्रय बंद होता है, जीव का आश्रय बंद होता है, परंतु वह जीव का जीव नहीं है। आश्रय बंद है, जीव नहीं है। कैसे? जैसे बचपन में, पहले समझ लो, मैं लिख लेगा। जैसे बचपन में खेत खेत में एक काम करते थे, हाथ ढीला करो ऐसे मार देते थे। देखा कैसे करके किसी को मार देते। तो अब बताओ, ये चांटा मैंने अपने हाथ से अपने को मारा है या मैंने नहीं मारा? अपन ने कारित कराया मेरे मार दे। तो कृत भी नहीं है, कारित भी नहीं है, अनुबंधा भी नहीं, इसका हमें मजा भी नहीं है। कृत भी नहीं है, कारित भी नहीं, अनुबंधा भी नहीं। ऐसे ही आश्रम बंद का कृत कारित अनुबोधना तीनों नहीं है, इसीलिए वो ज्ञानी है। और कृत कारित अनुबोधना है, उसका नाम अज्ञान। आत्मा तो मात्र जानता ही है, ज्ञानी हो या अज्ञानी जानता ही है, जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। समय साजी इसी परमात्म में लिखा है, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञानात अन्यत करोति किम, ज्ञान के सिवा क्या कर सकता है। करा हुआ तो कृत नहीं, कारित नहीं, अनुमोदना नहीं, एक दृष्टांत हमारा हो गया। और बनाओ दो दृष्टांत। वैसे ही ज्ञानी जो है ना, आश्रमबंधन होते हुए भी आश्रमबंधन नहीं करते, क्योंकि उसकी कृतकारी कर्मबंधन नहीं है, क्योंकि उसकी कृतकारी कर्मबंधन नहीं है। हाँ, दृष्टांत एक किया, अगलो मुझे भोजन करना है, तो मैं माने कौन आत्मा? शरीर नहीं, इसे हटाओ, शरीर को करना है, ये तो अजीब है। जो करने का भाव है वो आश्रम बंध है, वो जीव नहीं है। आप आश्रम बंध को जीव मत मानो। जीव का लक्षण ज्ञान है, उपयोगो लक्षणम, रागो लक्षणम नहीं कहा, द्वेषो लक्षणम नहीं कहा, उपयोगो लक्षणम कहा। तो जहां मोह राग द्वेष हो रहा है वो तो आश्रम बंध है, वो जीव नहीं है, जीव नहीं है। जैसे दो दृष्टांत और देता हूं, जैसे हमें बुखार आ गया, रोग हो गया, तो रोग हमारा कृत है, कारित है कि अनुमोदना है इसकी? नहीं। तो आप कहेंगे तो मैं रोगी, रोग आप रोग का कर्ता मानते हो? नहीं मानते। तो रोग होता तो है, इसी शरीर में रोग होता है, लेकिन रोग का कर्ता हम अपने को मानते नहीं। ऐसे राग होता तो आत्मा में है, लेकिन आत्मा राग का कर्ता मानता नहीं मानता तो क्या नहीं, और कर्ता मानता है तो अज्ञान। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में इतना सा फर्क है, वो इस अंतर को नहीं जानता, उसको तो ये नहीं समझ में आता। बहुत बार मैं ही कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बहुत दृष्टांत दे चुका हूँ इतने दिनों में आपको। लेकिन सब सोचते हैं हम मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मिक्स नहीं करना। फिर से समझो, यदि आप राग कर सकते हो, मैंने कई दृष्टांत दिए थे, तो क्या आप राग कर सकते हो? तो फिर आश्रय बंध का कर्तापन नहीं है।
थवा योग था इसे आश्रम थवा योग था इसे शरीर के अंदर से सोचते हैं तब लगता है कि इधर से परम परम इंद्रिय ज्ञान की तरफ से देखते तो भ्रम होता है और अतीत ज्ञान से देखते तो भ्रम दूर हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान से बार बार सोचने की आदत पड़ी है इसलिए हमको भ्रम हो जाता है। अतीत ज्ञान से देखेंगे तो भ्रम नहीं रहेगा। एक दो दृष्टांत दे दिए और दृष्टांत चाहिए बोलो। हम आपसे कहेंगे ये घड़ी फेंक दो तो आपने फेंक दी तो इसके कर्ता आप हो इसके कारिता आप हो या इसके अनुबोधक आप हो तो आप तो कुछ नहीं हो। मैंने कहा था इसलिए आपने फेंक दी। अब मान लो कोई आता है कि आपने संस्था की ये घड़ी क्यों फेंक दी तो आप तो निर्दोष भाव से बोल दोगे उन्होंने कहा था तो आप तो बच गए ना। भले ही आपने फेंकी तो भी आप बच जाओगे क्योंकि आप उसके कर्ता नहीं हो कराने वाले भी नहीं हो अनुबोधना वाले भी नहीं हो तो आप हो इन्होंने बोला था इसलिए मैं फेंक आप करता अनुमोदक नहीं है कृतकारी अनुमोदक नहीं है। यदि ऐसे कृतकारी अनुमोदक होंगे तो बंद होगा और बंद होगा तो एक भी जीव का मोक्ष नहीं होगा। एक भी जीव का मोक्ष नहीं होगा फिर तो कोई जज नहीं बनेगा क्योंकि उसको तो दंड देना पड़ेगा तो कारित कहलाएगा वो या कृत कहलाएगा तो ऐसा तो नहीं होगा। जब तक बस फिर समझो जीव अजीव अश्रवण संबल निद्रा मोक्ष याद है। जीव अजीव अश्रवण संबल निद्रा मोक्ष याद है। क्या मतलब था इसका कि ये करे तो इसका काम मेरा नहीं अर्थात शरीर का काम मेरा नहीं और आश्रम बंद होता है वो भी मेरा काम तो मात्र जानना है मेरा काम तो मात्र जानना है। ठीक बोलो और कुछ हो गया चलो आगे चलो। नाम कर्म का बंध कैसे रुक जाता है नाम कर्म का बंध कैसे रुक जाता है। ध्रुव मात्र के रसिया को मन वचन देह मन वाणी काया के व्यापार में हित नहीं दिखाई देने से क्रोध मान माया लोभ का व्यापार घटता हुआ मिटता जाता है। परिणाम दया कुटिल परिणाम ना होने से सरलता से मनुष्य देह वायु का बंध करता हुआ आप पुनर्भव को प्राप्त हो जाता है। लंबी भाषा हो गई अब समझा देते हैं। चार गति का बंध कैसे होता है कि जिसको ध्रुव में मजा नहीं आता है वो मायाचारी करता है मायाचारी करके तो त्रिगति में जाएगा। जो ध्रुव को नहीं जानता ध्रुव का आनंद नहीं जानता उसको मान होगा तो मनुष्य गति में जाएगा लोभ हो तो देव गति में जाएगा। आई बात समझ में आ रही है तो ध्रुव के जानने वाले को किसी में आनंद आता नहीं ध्रुव को जानने वाले को किसी में आनंद आता नहीं और आनंद नहीं आता है तो उसको क्रोध मान माया लोभ का व्यापार घटता जाता है और घटता है तो ऑटोमेटिक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को दो गति का बंध होता है। दो गति कौन कौन सी देव और मनुष्य इसके सिवा कहीं का बंध नहीं तो ऑटोमेटिक हो जाता है और ये घटता जाता है तो बाद में यह आपको अनुभव मतलब मोक्ष को प्राप्त होता है। तो नाम कर्म का बंध 13वीं प्रकृति ऐसे रुक जाती है। आत्मा अच्छा लगता है बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता। बाकी कुछ अच्छे लगने में ध्यान रखना बाकी बुरा लगने में अच्छा लगने में चेहरा बिगड़ता है लेकिन भगवान की मुद्रा देखी है आपने उसमें भय नहीं है लोभ नहीं है आस नहीं है रति नहीं है आरती नहीं है शोक नहीं है जुगुप्सा नहीं है। चेहरे पर देखो आप भगवान के चेहरे पर कोई भी प्रकार का ऐसा परिणाम नहीं है। अब जरा समझो जब जब हमारे भाव खराब होते हैं तो हमारा चेहरा खराब होता है ये नाम कर्म की रचना है ये हमारे नाम कर्म की रचना है। जब जब हमें ऐसा लगता है तो हमारा चेहरा बिगड़ता है गुस्सा आता है ऐसे होता है लोग तो ये चेहरा बिगड़ता है ना ये नाम कर्म की रचना है। लेकिन धर्मात्मा को तो कभी राग द्वेष होता नहीं तो उसको नाम कभी भी बिगड़ता नहीं
तो ऑटोमेटिक ध्रुव के जानने वाले को नाम कर्म भी सुधर गया, तेरा में प्रकृति सुधर गई, तेरा में प्रकृति सुधर गई, अशुभ गोत्र नहीं होगा, अशुभ नाम कर्म नहीं होगा, अशाता नहीं होगी, कितने कितने फायदे हो गए ध्रुव को जानने पर, तेरा में प्रकृति कट, इतना फायदा हो गया। आप देखो जब आप चिंतन सुनकर आनंद लेते तो आपका चेहरा कितना सौम्य होता है, और खाते पीते समय जरा बूझिए अब देख देख के कैसे चेहरा होता है कि वो नहीं दे रहे हमको, वो नहीं चाहिए हमें, कोई से बोले जब दे तू दे ही नहीं, तू सुनते ही नहीं है, कैसे है भैया दे ही नहीं मारे, तो चेहरा कैसा कैसा बिगड़ता है। तो नाम कर्म की रचना ध्रुव को भूलने से होती है, और नाम कर्म की सुंदर रचना ध्रुव को जानने से होती है, और फिर सुंदर रचना घटते घटते मिट जाती है, सुंदर रचना असुंदर तो होती ही नहीं, ध्रुव की रसिया को आनंद करने वाले को आगे समझ आगे। तो एक नाम कर्म की प्रकृति में एक है तीर्थंकर नाम कर्म, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध एवं अभाव कैसे होता है, ध्रुव को जानने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कैसे होता है, नंबर वन बंध कैसे होता है और कटता कैसे है। तो ध्रुव के रसिया को रही एवं गुणस्थान प्रमाण कमजोरी से नाम कर्म की उत्कृष्टतम प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। क्या बोला कुछ समझ में आया कोई, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कमजोरी से बनती है, क्या तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति कमजोरी से बनती है, पुरुषार्थ से नहीं बनती, क्यों कम लिखा है जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए ते पण बंध छे, बंधाए बंधाए जे भावे तीर्थंकर प्रकृति बंधाए ते पण बंध छे, आश्रम बंध छे, संसार छे, तीर्थंकर प्रकृति बहुत घाटे की है, सामान्य केव भी कितने होते हैं और 24 तीर्थंकर होंगे, बोलो क्या करना है, बोलो क्या करना है, 24 होंगे तीर्थंकर, बोलो यहाँ भरे क्षेत्र में, बाकी तो एरावत में होंगे अलग अलग, बोलो क्या करना है, सामान्य केव भी बन के मोक्ष जाना है या तीर्थंकर बन के जाना है, तीर्थंकर बन के जाना है तो अभी तो 24 ही फिक्स है, अगली 24 ही फिक्स है, एरावत की भी फिक्स है, और 160 तीर्थंकरों की भी फिक्स है विदेश क्षेत्र की, तो 170 तो कंफर्म सीट है, इसका मतलब आपको अगला आराम तक जाना पड़ेगा। तीर्थंकर प्रकृति कमजोरी से बनती है और पुरुषार्थ से नहीं बनती, कमजोरी कैसे, गुणस्थान की कमजोरी है, करुणा की कमजोरी है, करुणा हमने कहा ना दया आती है, करुणा आती है, विश्व मैत्री आती है, बात्सल्य आती है, तो जिनको शत्रुता आती है उनकी तुलना में तो अच्छा है लेकिन वो कमजोरी है, करुणा करना कमजोरी है, लेकिन बहुत पढ़ा चुके इसको, दया करना कमजोरी है, यहाँ भी लगेगा नहीं महिमा, सुख सुख का अंतर क्या है, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली के सुख का अंतर क्या है, कुछ भी नहीं, एक ही दुकान बहुत चलती है, एक ही कम चलती है, लेकिन भूखे दो ही नहीं मरते क्या फर्क पड़ा कोई मुझे जाने या नहीं जाने, अनंत अनंत केवली भगवान है, अनंत कोड़ा कोड़ी बोलते हो केटला कोड़ा कोड़ी अहिया जी मोक्ष गया, और तीर्थंकर का कितना नाम लेते हो, एक उस तीर्थंकर के साथ कितने केवली लिखी वहां बोलो, तो आप क्या करना है बोलो, आपको तो सामान्य बढ़िया, अपने को तीर्थंकर बन करके जाना नहीं, समझ आया, चलो तो गुणस्थान प्रमाण कमजोरी से नाम कर्म की उत्कृष्टतम प्रकृति है, गुणस्थान की कमजोरी है और उत्कृष्टतम प्रकृति है, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद होने की योग्यता हो तो केवली सुर केवली के बाद मूल में बनती है, केवली सुर केवली के बाद मूल में चौथे गुणस्थान से आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक, ये सब गुणस्थान लिखा है, छठे भाग तक बनती है, स्वयं बनती है,
और आठवें गुणस्थान के सातवें भाग में बंधन सुरता रुक भी जाता है, छठे भाग तक बनता है और आठ सातवें भाग में बंध रुक भी जाता है। बंद भी ऑटोमेटिक हुआ और बंद का रुकना भी ऑटोमेटिक हुआ ध्रुव के आश्रय से। ध्रुव के आश्रय के बिना आप आठवें गुणस्थान तक नहीं जा पाओगे, जा ही नहीं पाओगे ध्रुव के बिना। और ध्रुव में रमे रहोगे तो सातवें भाग में बंध अपने आप रुक जाएगा। तो हमें बंद करना भी नहीं है और रोकना भी नहीं है, हमको तो ध्रुव में रहना है। भाई पूर्व के भाव में जब चतुर्थ नाम का जो बंद होता है तो स्टार्ट होता है छठे से, तो उसके बाद में आठ बीच में कहीं भी रुक सकता है। रुक सकता है मतलब इस चतुर्थ नाम का ये प्रवृत्ति जैसे बंद गुणस्थान फिक्स है कि छठे से स्टार्ट होता है आठवें के सातवें भाग तक बंद। बंद का टाइम तो बंद का टाइम चौथे गुणस्थान से चौथे से हां, इसलिए वो ध्रुव बंदी है। वो तब तक बनेगी जब तक आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक, चौथे गुणस्थान से लेकर के छठे गुणस्थान आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक कंटिन्यू बनती है, रुकती नहीं बीच में वो। ठीक, अब देखो आपने पूछा गुणस्थान प्रमाण कमजोरी क्या होती है, तो उसका भी उत्तर इसी में लिखा। गुणस्थान प्रमाण कमजोरी क्या होती है, ध्रुव स्वभाव का आश्रय ही रत्नत्रय का कारण होने से स्वयं को ध्रुव स्वभाव के प्रति विकल्प दशा में आदर बढ़ता है। ध्रुव स्वभाव के प्रति जो आदर बढ़ का विकल्प होता है, विकल्प दशा में आदर और अन्य मोक्ष मार्गों के प्रति भी वासन पूर्वक दान प्रभावनाशील तप त्याग करुणा होने से न चाहने पर भी सहज जीव प्रभावक पुरुष बन जाता है, विद्वान साधु आचार्य उपाध्याय केवली सुध केवली होने का बल कर लेता है। केवल तीन संकट प्रकृति के बल नहीं करता, क्या कह रही तीर्थंकर नहीं बने तो केवली का, केवली नहीं होता आचार्य का उपाध्याय का। आचार्य बहुत पुण्य को ऐसे आचार्य बनते हैं, बहुत पुण्य का होता है तो उपाध्याय बनते हैं, बहुत पुण्य का होता है तो विद्वान बनते हैं। सब विद्वान बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, जब तक करुणा ना हो वात्सल्य नहीं हो तब तक विद्वान नहीं बन पाते। प्रभावक व्यक्ति तो तभी बनते थे, अपन केवल तीर्थंकर का ही नहीं लेना, ये भी प्रकृतियाँ होती हैं। उपाध्याय बहुत करुणा वाला हो तो उपाध्याय बन पाए, ऐसे सब लगा लेना। ठीक है, तो केवली सुध केवली होने का बंद कर लेता है, प्रभावक पुरुष बनने का बंद कर लेता है। ध्रुव स्वभाव के इस रुचि के साथ रहने वाली विशुद्धि ही दर्शन विशुद्धि कहलाती है। दर्शन विशुद्धि नाम सुना होगा, सोलह कारण भावना में पहली ही है दर्शन विशुद्धि। सोलह कारण भावनाओं के बिना कोई तीर्थंकर नहीं होता, तत्वार सूत्र में ना, तत्वार सूत्र में सोलह कारण। तो दर्शन विशुद्धि का क्या मतलब है, ध्रुव की दर्शन, ध्रुव का दर्शन करने के साथ विशुद्धि। क्या बोला, ध्रुव का दर्शन सिद्धांत विश्वास करने के बाद उसके साथ होने वाली विशुद्धि का नाम है दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि क्या मानते हो आप लोग, क्या कहते हैं, हैं? हाँ बोलो बोलो, बहुत सरल है, कठिन नहीं। दर्शन विशुद्धि सोलह कारण है, हाँ बस बिल्कुल सही, सम्यक दर्शन साथे रहेगी विशुद्धि, बस ठीक। सम्यक दर्शन साथे माने ध्रुव का दर्शन, ध्रुव का दर्शन करने पर आत्मा का आनंद होता है तो वो विशुद्धि बढ़ती जाती है। ठीक, आगे मोक्ष मार्गों के प्रति विनय शील ध्रुव स्वभाव में ही बारंबार उपयोग कर जाना, बढ़ती शक्ति प्रमाण त्याग के फल में ज्ञान प्रभुता पुण्य का सदुपयोग से दान आदि के भाव, इच्छाओं के घटने से तप, सोलह कारण में तप त्याग है ना, सुन सब ध्रुव स्वभाव में उपयोग रहने से ऐसे साधकों की साधु समाधि, साधु समाधि भैया वृद्धि की रुचि, आचार्य भक्ति उपाध्याय, आचार्य उपाध्याय आनंद एवं उनके वचनों के प्रति भक्ति, ये सब उसमें लिखी है। प्रवचन भक्ति प्रवचन वत्सल भक्ति भाव के भाव सहज होने से उस मार्ग की वात्सल सही प्रभावना करने के भाव होते हैं, होते हैं। ठीक है, धर्मी धर्मात्माओं के बीच में क्लेश करने के भाव वाले क्या बनते हैं, तीर्थंकर की केवली कुछ नहीं। साधर्मियों के बीच में मनमुटाव करने से क्या बनते हैं, नवोदी
अभी ध्यान रखने की जरूरत है, कोई कितना भी खराब हो अपने को क्लेश नहीं करना, कोई कितना भी खराब व्यवहार कर जाए साधु होकर के भी, तो अभी उसके प्रति द्वेष नहीं करना, क्योंकि अपन ने वितरागता की प्रतिज्ञा की है। परसों वो चला था अपने को तो राग द्वेष करना ही नहीं, ज्यादा होते ही मानो कि अपना उत्सव परिचय होकर अपना कर्म करना है, कर्म काट लेना, लेकिन क्लेश करके कर्म नहीं बांधना। बहुत जल्दी हो जाता है क्लेश, क्लेश जल्दी जाता है, उसे काटने के लिए रोकना पड़ेगा बहुत ताकत से, ठीक है। बार बार लिखो मुझे केवल ज्ञान की प्रतिज्ञा लेके आए, केवल ज्ञान को घात नहीं करना मुझे, ठीक है। तो ये वास्तव से प्रभावना करने के भाव होते हैं, बहुत पॉइंट है, लेकिन पॉइंट बोलेंगे तो बहुत समय 16 कारण बताना पड़ेगा। ध्रुव स्वभाव में निर्विकल्प स्थिरता से यह तेरह के अंत में अयोगी गुण स्थान में यह बंध कट जाता है, तेरह गुण स्थान के अंत में और चौदह गुण स्थान के प्रारंभ में तीर्थंकर प्रकृति का कट जाता है, पूरा प्रकृति खत्म हो जाती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का काम है दिव्य ध्वनि समोसरण आदि, और चौदह गुण स्थान को वो रहता नहीं। अब बहुत बढ़िया पाठ आ रहा है आपके लिए, ध्रुव को जानेंगे तो अंतराय कर्म कैसे कटेंगे। क्या कहा प्रश्न, क्या बोला, यदि ध्रुव को जानेंगे तो अंतराय कैसे कट जाएगा, उसके लिए तो बहुत हार्ड तप करना पड़ेगा, अंदर तो पास करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंतराय से पहले अंतराय समझो, लिखना कब पहले समझ कर, क्योंकि सबसे कठिन चीज है, हम अंतराय को समझते नहीं है, हमें तो ऐसा लगता कहीं होता होगा कहीं अंतराय, है ना। तो हम आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं, अंतराय बहुत प्रकार के भेद हैं इसके, अंतराय के आपने नाम तो सुने होंगे, पांच दान लाभ भोग भोग, लेकिन इसका अर्थ करने की जरूरत है। लोग दान अंतराय को ठीक से नहीं समझते, जिन वाणी में जो चीज नहीं समझ में आती है उसे स्थूल करके व्यवहार से समझाते। ये लाइन क्या बोली, जब दो बार बोलो, जिन वाणी में जो बात समझ में नहीं आती है उसे व्यवहार में से स्थूल करके समझाते हैं। एक बार और बोलो, व्यवहार में से स्थूल करके समझाते हैं। आपको क्या लगता है दानांतराय क्या होता है, कि हम दान देना चाहते थे लेकिन दे नहीं पाते, कोई विघ्न कर देता है तो दानांतराय, ये बात सच्ची नहीं है, गलत है, क्योंकि स्थूल समझ में नहीं आता ना, दानांतराय कैसे समझाएं हम आपको, तो नहीं समझा सकते, तो जो दान दिखाई देता है वाले दान तो हम देना चाहते हैं, कोई रोक देता है तो दानांतराय हो गया, ऐसा नहीं है। दानांतराय का भी चौपसंग होता है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है, वीर्य अंतराय का क्षयोपशम होता है। आप भोजन तो करना चाहते हो लेकिन पचाने की सामर्थ्य नहीं, तो क्षयोपशम नहीं है वीर्य का, वीर्य का क्षयोपशम चाहिए भोजन पचाने में, ऐसे ही समझने में भी समझने का वीर्य का क्षयोपशम चाहिए, सब कोई नहीं समझ पाते, क्योंकि सबका समझने की शक्ति का वीर्य का क्षयोपशम कम ज्यादा है। क्या पकड़ रहे पॉइंट, समझ आ रहा है जी, समझ आ रहा है, अंतर क्यों पड़ रहा है जी, अंतराय, अब तुम पकड़ो गौर से, इसमें और तुम्हें अंतर क्यों पड़ रहा है, तो 4 महीने में सफल हो गए, तुम 40 साल में क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम अंतराय डालते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती। अब अंतराय कैसे डालते हैं, मार्ग कठिन है ऐसा सोचते हैं तो अंतराय डालते हैं, आत्मा का समझना कठिन है ये ऐसा सोचने से अंतराय पड़ता है, मोक्ष मार्ग कठिन है, समय दर्शन कठिन है, आत्मा दिखता तो है नहीं, मिलना कठिन है, पंचमारा है कठिन है, तो हम आत्मा के अनुभव को कठिन कर जितनी बार मानते हैं उतनी बार अंतराय पड़ता है। क्या बोला, जितनी बार मानते हैं उतनी बार अंतराय पड़ता है, अंतराय किसे कहा, मानने से सोचने से, बोलो आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ क्या कहते थे, फिर से बहुत सुनने की बात है, ये अंतराय है, बहुत अंतराय समझने लायक है, जैसे कई बार ऐसे पहले से लग जाता है, आज तो अपन थके हैं समझ में नहीं आएगा, अपन पीछे बैठ जाएंगे टिक के, तो आराम से सोते सोते सुनेंगे, तो इसे पहले से ही अंतराय खड़ा कर दिया कि अपन तो टिक के बैठ जाएंगे, देखना अंतराय करने वाला टिक के बैठेगा, टिक के बैठने वाला अंतराय करता है, हाँ
आपको पता है सामायिक, सामायिक समझते हैं सामायिक, तो सामायिक करने के 32 दोष है, मालूम है सर नाम मालूम, 32 दोष, तो उसमें टिकने का भी मना है, ऐसे करने का भी मना है, माला लेने का भी मना है, ऐसे बैठने का भी मना है, बहुत लिखा 32 बार लिखी, वो जैसे भगवान बैठ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही नहीं बैठते हैं तो 32 दोष होते हैं। तो आप ही पद्मासन बैठो, बैठते हैं बैठो बैठोगे आराम से बैठोगे, रोज बैठने की अभ्यास करो। अपन क्या करते हैं सुखासन में बैठने की आदत रहती है, जब भी बैठो भले चाहे 5 मिनट बैठो, 6 मिनट बैठो, 7 मिनट, ऐसे बढ़ता जाएगा। मैं पहले 30-40 साल पहले तो मैं प्रवचन करने जाता था ना तो 1 घंटा होश नहीं रहता था इसका, तो पद्मासन बैठ गए तो होश 1 घंटा बैठने की आदत पड़ गई, 1.5 घंटे की आदत पड़ गई, अब वो आनंद देता मुझे। मैं ऐसे नहीं बैठूँ तो दिक्कत है, मैं ऐसे बैठ सकता हूँ मेरा पैर बदले हुए, लेकिन अभी ऐसे नहीं बैठूँ पद्मासन तो मुझे पैर बदलने पड़ेगा, अब उल्टा हो गया। हाँ तो पद्मासन का बहुत फायदा है, पद्मासन से रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और सुखासन से रीढ़ की हड्डी ऐसी होती है, तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना वो ऐसे चलने पड़ते हैं, वो पद्मासन नहीं बैठने का फल है, बुजुर्ग लोग ऐसे झुक जाते हैं ऐसे ऐसे कमर हो जाती है, लाठी ले लेके और झुक जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आपको पूरे जीवन पद्मासन बैठना है, अंतराय कर्म का हेतु है। तो असमर्थ, हाँ अब लिखो, असमर्थ अनुभव ना ही अंतराय का हेतु है, मैं बैठने में असमर्थ हूँ, जो बहाने करते ना बहाने, जैसे अपन किसी को सलाह दें वो क्या करूं पैर बहुत दुखता है, तो बहाने बनाए उसने तो अब उसके पैर दुखेंगे, वो आपने तो कह दिया बैठ जाओ लेकिन मेरी तो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है, अब रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, आपने तो कह दिया सुन लो लेकिन मेरा तो सिर चकराता है, तो अब इसका सिर चकराएगा, बहाने करने से अंतराय कर्म का हेतु है। अभी इतनी बात समझ में तो आती नहीं, काम के लिए बहाना करते तो वो थकान रहता है, आपने कभी पढ़ाई की स्कूल में तो उस समय जिसको कठिन मानते थे वो कठिन हो जाता था और जिसको सरल मानते थे वो सरल हो जाता था, देखा कि नहीं देखा। अभी आपको कहा कि प्राकृत रटना है, आपको गाथा रटनी है प्राकृत की, वो बाप रे किस काम आती है, कोई काम तो आती नहीं, प्राकृत कोई समझता तो नहीं, जब रटो हम तो आपको याद करने में दिक्कत है, आपने तो गुरु आके हैं ना, आप तो पढ़ो आप तो रटो बस खत्म याद हो जाएगा। तो ज्ञान, अब अंतराय कितने भेद हैं देखो, मत ज्ञान में अंतराय, स्मृति में अंतराय, धारणा में अंतराय, निर्णय में अंतराय, ये सब अंतराय पड़ते हैं, याद कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, ये अंतराय का उदय है, ये अंतराय का उदय, आपने अंतराय डाला है। स्मृति क्यों नहीं आती, आपने लापरवाही से याद किया है, लापरवाही से याद की हुई चीज भूल जाओगे। आपने देखा कभी आपको गुरु ने 1 घंटे तक बहुत समझाया, 5 मिनट समझाया, 10 मिनट समझाया, 5 बातें बताई, लेकिन आप सुनते सुनते इधर उधर देख रहे थे तो लापरवाही से सुनी, हाँ 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 करती, बाद में आप भूल ही गए आपने कुछ कहा, भूल जाते कि नहीं भूल जाते, तो लापरवाही से सुनना ये अंतराय है, अंतराय बंद करते हैं, अंतराय होगा कुछ होगा, सुन लो भैया पता सुन लो, कुछ ना कुछ लाभ होगा, तो कुछ ना कुछ लाभ होगा माने हानि होगी, अंतराय होगा, बहुत कारण है अंतराय की, अब फिर से सुनो, ध्रुव की वार्ता नहीं समझ में आने पर भी उत्साह से सुने तो अंतराय कटता जाता है। अच्छा इतना सरल काम, बिल्कुल द्वादशांग का पारगामी हो जाए, क्या बोला क्या बोला क्या बोला, ध्रुव की बात नहीं समझ में आने पर भी उत्साह से सुनता है, आमा मारू हित छे, आमा मारू हित छे, आमा आमाज मारू हित छे, आमाज मारू हित छे, ऐसा बुद्धि से सुनने वाला उत्साह है। इसके लिए गाथा है बहुत अच्छी, पद्म नंदी पंचमी सदिका में, तत् प्रतिप्रीति चित्तैन एन वार्ता भी सुनता, तत्प्रति मतलब ध्रुव,
ध्रुव की वार्ता कोई प्रिंस चित्त से सुनता है, उत्साह से सुनता है, तो उसका अंतराय करता जाता है। अब बोलो कितना सरल रास्ता है, तुम प्रेम से सुनो ये बात, तुम्हें केवल ज्ञान मिल जाएगा। नींद आती है दक्षिण पांडी से, अंतराय से नहीं आती है। लेकिन सुनने का, सुनने का तो सुनने का अंतराय तो इसलिए हुआ कि वो लाभांतराय है, सुन नहीं पाई, लाभ का अंतराय है, लाभांतराय नहीं, सुन नहीं पाई, सुन भी लिया लेकिन समझ में नहीं आया, समझ का अंतराय, समझ का अलाभ हो गया। फिर समझ भी लिया लेकिन बारम्बार विचार में नहीं आता, स्मृति में नहीं आता, तो स्मृति का अंतराय है, लाभांतराय। ऐसे लगाना सब जगह एक ध्रुव को पकड़ोगे तो सारे लाभ हो जाएंगे, एक ध्रुव को छोड़ोगे तो सारे लाभ चले जाएंगे। आपकी दुकान में कम माल हो, ज्यादा माल हो, अच्छा माल हो, खराब माल हो, लेकिन ग्राहक को देख करके तुम दुखी होते हो तो हानि ही हानि है। जल्दी बोलिए, दुकान पर ग्राहक आए तो उसे देख के सी दुखी हो जाओ, ये भगवान तू कहाँ से आ गया, तो आप कितना प्रॉफिट होगा, कितनी बिजनेस होगी, कुछ नहीं। तू ग्राहक को देख के तो खुश हो, माल कम हो तो कम बिक जाएगा, ज्यादा हो तो ज्यादा बिकेगा, अच्छा हो तो अच्छा बिकेगा, बुरा तो बुरा बिकेगा, तू ग्राहक को देख के खुश नहीं होता। ऐसे तू ध्रुव के लक्ष्य से दिनवाणी सौ में प्रसन्न हो जा तो तेरा व्यापार चलता चला जाएगा, अंतराय कटता चला जाएगा। अंतराय का अभाव होता है तेरे गुण स्तंभ अंतराय का, लेकिन अंतराय का शोषण होता है हमारी अवस्था से। अभी सही होगा वो ध्रुव पकड़ में आएगा, ध्रुव की स्मृति रहेगी, ध्रुव का चिंतन चलेगा, ध्रुव का अनुभव होगा, ध्रुव में मग्नता होगी, ये सब अंतराय कर्म का क्षोभ बढ़ता जाएगा। समझ आएगा, अंतराय का क्षोभ बढ़ेगा तब लाभ होगा, तब चिंतन चलेगा, तब अनुभव होगा। ये सब लगाना चीजें बहुत काम की बात है, अंतराय कर्म। तो हमने कैसे अंतराय डाला तो समझ में आ गया, नहीं आया? अच्छा अब देखो अंतराय क्या है, आत्मा की अनुभूति दो बार हुई और दोनों के बीच में जो गैप आ गया है अंतराय का उदय है, क्योंकि अंतराय अंतर आय, अंतराय अंतर आय, दो अनुभव के बीच में अंतर आ गया, ये अंतराय का उदय है। पढ़ने और आनंद के बीच में अंतराय आ गया, पढ़ने और आनंद के बीच में, आपको पढ़ते से ही आनंद नहीं आया, पढ़ने के बाद आनंद आने तक में अंतर पड़ गया, ये अंतराय का उदय है। आप ला सकते हो आपको अंतराय का उदय कब कब चल रहा है, तो सभी जीवों को अंतराय का उदय तो अभी चल ही रहा है, पूरी तरह से तो नहीं कटा, लेकिन हाँ इतना इतना अंतराय कर्म का क्षोभ समय, कितना क्षोभ समय कौन बोलेगा, हाँ जितना जितना समय, पूरा समय में आ जाए तो अंतराय का छह, और छोटा सम में आए तो अंतराय का छोसम, ठीक है, अंतराय का छोसम, थोड़ा थोड़ा सम में आ रहा है कोई बात नहीं, और ध्रुव पूरा अच्छा लग रहा है, तो ध्रुव पूरा अच्छा लगने से छोसम पड़ता चला जाएगा। क्या कहा, ध्रुव अच्छा लगने से हमारा छोसम पड़ता चला है, और एक दिन छोसम मिट जाएगा, छोसम पड़ के मिटेगा, छोसम रखना है कि मिटाना है, मिटाना कुछ नहीं करना मिट नहीं योग्य, मिट नहीं योग्य, बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा बढ़िया, अच्छा पकड़ गया ना, ठीक। तो अंतराय का लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा है, आप दूसरों को शिवसम से ईर्ष्या करोगे तो अंतराय आएगा। क्या कहा, दूसरों में छेव समझे, जैसे अभी भी जो बोला जा रहा है, जैसे जो भी आंसर आते हैं कई बार तो ऐसे लगता है कि वो ज्ञाना होने के छेव समझे निकलने वाली भाषा लग रही है, गौरी के छेव समझे अनुभव की महत्व तो नहीं लगता ऐसा, इसीलिए इसकी पढ़ाई चल रही है, अपने को किसी का लक्ष्य करेंगे तो अंतराय आएगा, किसी का भाई देखो सबका बीज अलग अलग है,
और सबका पेड़ अलग अलग है, आपको ना सबका अलग अलग, तो अपन ऐसा तो नहीं वो दूसरे को देख देख के तकलीफ होती है, सब अपना अपना विकास करते जाते हैं, आ जाता है बस। हम तो कह रहे हैं कुछ नहीं हो, तुम तो ध्रुव का रस रखना सब हो जाएगा। ध्रुव माने खाद, ध्रुव की खाद मिलेगी तो वृक्ष पल्लवित होता चला जाएगा। कोई पहले खिलेगा कोई बाद में खिलेगा, क्या फर्क पड़ा? भगवान आदिनाथ का पहले खिल गया, हमारा बाद में खिलेगा, इससे क्या फर्क पड़ा? छोटा पेड़ तो बने रहने दो, उसमें क्या दिक्कत है? पुराणों में ऐसी कहानियां हैं कि उसको बिल्कुल क्षयोत्तर नहीं था, लेकिन वो आत्मा की खुमारी थी तो केवल ज्ञान हो गया। कहानी है श्रीपोती महाराज की, उनको कुछ भी याद नहीं रहता था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, श्रीपोती महाराज को नमोकार मंत्र भी याद नहीं रहता था, सात तत्व के नाम नहीं मालूम थे, चार गति के नाम नहीं मालूम थे, कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन उनके गुरु ने उनको इतना ही बता दिया, भाव भाषण हो गया कि तू देह से जुदा है, बस वो भी भूल गए, इतना शब्द भी भूल गए वो, उसने तो फिर उनसे कहे तू ऐसे कर, मुझे राग देश नहीं करना, मैं इतना राग देश नहीं करना, मारुस मातुस ये नहीं करना, तो वो भी भूल गए, भूल गए, वो दाल को छिलका से अलग देते हो के देखा, वो एकदम समझ में आ गया ऐसे कुछ कहा, ये छिलका है इतना समझ में आ गया छिलका है, वो मैं हूँ बस खत्म, इतने उनको केवल नहीं। देखो यदि आपको निमित्त की तरफ जाना है तो कह सकते हो, लेकिन निमित्त तो अकर्ता होता है, निमित्त अकिंचित होता है। कल क्या बोला था, टिकट की विंडो पर टिकट मिलता है लेकिन पैसे बिना, हाँ उपादान तो कितना सरल मार्ग बताती है आपको, केवल ध्रुव की मस्ती, ध्रुव की महिमा, ध्रुव का ज्ञान, ध्रुव का विवेक, बस खत्म हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा, आपको आप कही जैसे ठीक चले आगे। तो अंतराय कर्म का काटना कैसे होता है, तो बनता कैसे, ठीक अब आगे होता है, ध्रुव तो सदा निरंतर है, बताओ ध्रुव में अंतराय पड़ता है नहीं पड़ता है, ध्रुव तो सब कर्मों में अंतराय पड़ा, सब चीजों में अंतराय पड़ा, लेकिन मेरे ध्रुव आत्मा में अंतराय नहीं पड़ा, इसलिए ध्रुव का आनंद करने वाला अनंत काल के लिए निरंतराय रहेगा। ध्रुव निरंतराय तो उसका आश्रय करने वाली परिणति भी निरंतराय रहेगी। बोलो ऐसे ही बोलो, अपने को नियंत्रण होने का मार्ग मिला कि नहीं मिला, ये नियंत्रण हो गए, अब मजा करो, बात खत्म, मड़ी गयो आत्मा सदा ध्रुव तो सदा निरंतराय था ही, उसकी रुचि समस्त अंतराय को दूर करती जाती है, उसकी रुचि समस्त अंतराय को दूर करती जाती है, इससे अनंत बल प्रकट हो जाता है। आनंद करने वाला जीव आनंद में ही निमित्त होता है, आनंद करने वाला जीव आनंद में ही निमित्त होता है, और दुखी रहने वाला जीव दुख में निमित्त होता है। आप किसी पास जाके बैठो तो आपको पता लग जाएगा ये आनंद में कि दुख में, देखा है किसी पास जाओ, किसी पास जाके बैठ जाओ, यदि दुख की बातें करें तो बस समझना ये दुखी है, और सुख की बात, अरे आपको कितना अच्छा है आपने सुना, मुझे तो बहुत तो सुखी आदमी ये पता लगे सुखी आदमी क्यों, सुखी आदमी सुख में निमित्त होता है और दुखी आदमी टेस्टर, समझते टेस्टर, लाइट का टेस्ट करते टेस्टर, एक टेस्टर किसी के पास बैठो और शिकायत विकायत करे, दोनों की राजनीति की बात करे, समाज की बात करे, दुनिया की बात करे, दोनों की बात करे, कभी कभी आता है, तो वो मैं कहता हूँ सुखी है तो सुख का निमित्त, दुखी है तो दुख में जाए, हम तो यही बोल रहे हैं, हम भी तो यही बोल रहे हैं, तो यदि तुम सुख में हो तो सुख में निमित्त बनोगे, और दुखी हो तो दुख में ही निमित्त बनोगे,
अब दूसरी बात, ज्ञानी को दुखी आदमी भी सुखमयी निमित्त बन जाता है। क्या कहा? ज्ञानी आदमी, ज्ञानी को तो दुखी आदमी भी सुखमयी निमित्त बन जाता है। अभी तुम अपना चेक करना हो तो देख लेना चाहिए, ये कोई तुम्हें दुखी बातें कर रहा हो, दुखी हो रहा हो, तुम प्रसन्न हो रहे हो, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, तमें पण ज्ञायक छो, तो तुम ज्ञानी हो। और वो जैसे जा रहे थे उसी साथ अपन निसक गए, सिलिप सिलिप अपनी सिलिप, अरे तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे भी बहुत सिर्फ 35-46 साल, दो ही जने ना रहे वो तो जाएगा तुम चेहरा मुश्किल हो गए, तुमने भी उसको धक्का दे दिया, दो ही रेसेंट को समझते हैं सिलिप होती है, तीसरे पत्थर पर पैर रखा तो खुद भी गिर पड़ते हैं। कोई दुखी हो तो मैं दुखी नहीं हूँ, कोई बुराई करेगी ये ऐसा है वो वैसा है वो वैसा है वो वैसा है, गुरु महाराज तो दया भी नहीं करते मेरे ऊपर बिल्कुल, मेरे को तो बात भी नहीं करते, 6-6 महीने बीत जाते, एक बार इस्माइल पास नहीं की तो तुमने कहा हाँ हाँ सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, तो दोनों सिर्फ खाकर के गए, सामने वाला दुख की बात करें, अपने को तो सुख की बात करना, ध्रुव की बात करें, हाँ अपन ध्रुव, अरे तभी कौन ध्रुव छो, अपन भावी छो, आनंद मूर्ति छो, आत्मा छो, चिंता ना कर रहे पूरी नई लाइफ स्टाइल, हम लोग तो ऐसे ही मांग करते थे, पूछे लो ये बहुत परेशान हो गया आदमी, मैं परेशान नहीं होता, पूछे लो बजे कई बार ये लोग सोचते हैं आपको मैं क्यों सुनाऊं, मैं तो मेरे को सुना है, मेरे को इतना फायदा हुआ है दूसरों की बातें सुन सुन के, अपने आप जुमे चले, मेरा वैराग्य तो असंख्य गुना यूं समझ लो मल्टीपल हो गया, इतने लोग सुनाते नहीं अपनी शादी के दुख, तो मेरा मंजर पक्का लोग सुनाते व्यापार का दुख, तो मेरा पक्का लोग बताते हम कैसे अफेयर में फंस गए थे, कैसे हम लड़की ने हमको धोखा दिया, कैसे हम व्यापार में फंस गए, मैं कहता हूँ बहुत मजा, मेरा बहुत मजा है पूछो आज तक मैं दुखी नहीं हुआ, फिर उसको समझना तो समझा देते, नहीं समझे तो तेरी तू जाए, मैं मजे करूंगा, मैं तो पक्का है, मैंने प्रतिज्ञा है सारी दुनिया मुझे छोड़ के चली जाएगी तो भी मैं आनंद का मार्ग नहीं छोड़ा, मैंने कभी किसी को खुश नहीं किया आज तक, किसी सेठिया को खुश नहीं किया आज तक का, मेरे प्रवचन की रिकॉर्डिंग में कभी किसी बड़े बड़े सेठों के नाम नहीं आते, किसी का नाम है, हाँ बच्चों के नाम आते हैं, प्रेम रखता है बच्चों से तो उनको नाम आता है, क्यों तो उनकी कोई पार्टी है, अभी लिखा जाए तो लिखा जाए ठीक है, बिल्कुल मजे का मार्ग है, अपन ध्रुव की कुमारी क्यों छोड़े, सुखी आदमी सुख में निमित्त होता है, सुख में निमित्त होता है, और दुखी आदमी ज्ञानी को दुखी आदमी भी सुख में निमित्त हो जाता है, दर्शन बनाओ एक आज पुराण में से, पुराण में से पार्श्वनाथ भगवान कमंड का जी उनके केवल ज्ञान भी निमित्त हो गए, तुम्हें कौन बनना है, रिपीट स्लिप मारने वाला कमंड, चंदन वाला वो सेठानी आहार दान में निमित्त हो गई, महावीर भगवान की उड़द के बाद, और खुद को भी सम्यक मार्ग में आगे बढ़ने में निमित्त हो गई, संकट और कठिनाइयां आदमी को बहुत सफलता देती है, मजबूती देती है, और जिनके जीवन में संकट और सफल को नहीं आती ना संघर्ष नहीं आता वो बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए हमेशा कमजोर असफलताओं को मुस्कुरा के सामना करो, बहुत अच्छा है इसने हमको सिखाया है, असफलताएं दी बेस्ट टीचर, क्या बोला, प्रतिकूलताएं असफलताएं दी बेस्ट टीचर है, इससे बढ़िया टीचर नहीं मिलेगा, मोस्ट क्या कर विद स्माइल वेलकम, किसको असफलताओं को प्रतिकूलताओं को क्या करना, विद स्माइल वेलकम, हाँ विद स्माइल वेलकम, कम आपको याद दिलाऊं एक आप दो चार घटना, वैसे आपको बहुत याद आ जाएंगे आपस में चर्चा करने,
माता जी आपके बड़े बार बार समझाए बेटे ऐसे नहीं करना नहीं करना, बच्चे सुनते ही नहीं। और जब हाथ कट गया ओ मम्मी ने सारू सारू मम्मी ने सही कहा था, होता कि नहीं होता बोलो, देखो बेटा देख के आना और स्लिप हो गए और लग गए, अरे वो आपने सही कहा था संभल के चलो, चंचलता नहीं करनी, चंचलता घटनाओं ने सिखाई कि नहीं करनी। जब हाथ कट गया चोट लग गई नुकसान हो गया तब हमने सीखा है, बोलो भैया फिर से, असफलता और प्रतिकूलता से द्वेष करना, जुगुप्सा करना, गिलानी, कुंठा, कुछ नहीं करना, दी बेस्ट टीचर। दी बेस्ट टीचर न्यू स्टाइल है, न्यू नहीं है ये अनादि स्टाइल है, हमारे सर्व भगवान की यही स्टाइल अनादि से रही है, ये तो इसकी चर्चा वार्ता नहीं करते थे, तो इसलिए हमको कंफर्ट जोन चाहिए। तो समझ लो कंफर्ट जोन वाला कभी मोक्ष नहीं जाता, बिल्कुल एक लाइन में कह रहे हैं कंफर्ट जोन वाला कभी मोक्ष नहीं जाता, बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं, साधु दीक्षा तो कंफर्ट जोन के लिए होती ही नहीं, क्या कहा, और साधु होकर के भी कंफर्ट जोन में चला गया माने निगोज चला गया, कंफर्ट जोन समझ गए अंग्रेजी। कोई आपको ऐसी अच्छी जगह देते हैं, यहाँ कूलर है, हवा है, पंखा है, बड़ी एसी अच्छा है, बढ़िया लाइट बात है, सब अच्छा है, तो आप खुश नहीं होने का अपने को, अरे रे प्रभु तुम मेरे मोक्ष मार्ग में अंतराय डाल रहे, क्या डाल रहे हैं, इंद्रियों की सुविधाएं चाहना आत्मा के मोक्ष मार्ग में अंतराय का हेतु है। क्या बोला, इंद्रियों के विषयों की सेवन की सुविधाएं अनुकूलताओं की रुचि मोक्ष मार्ग में अंतराय डालती है, इसलिए ज्ञानी इंद्रियों की रुचि करते नहीं, इसलिए इसलिए साधु बनाता है, ताकि लिए आता है इसलिए साधु बनाता है, समझ में आया, चले आगे चले। अंतराय का बाह्य कारण भी ना होने से अंतराय का बंध नहीं होता, अंदर में ध्रुव की रुचि है और अंतराय के निमित्तों की रुचि नहीं है, इंद्रियों की रुचि नहीं है। अब बोलो ध्रुव को जानने वाले को अंतराय कर्म बंधेगा कैसे, नहीं बंधेगा, इसीलिए 600 मोते होते होते कट गए, ठीक। ध्रुव स्वभाव में अप्रमत्त होने से, प्रमाद ना होने से कोई भी कसाय एवं पाप नहीं होता, कसाय से प्रमाद से पाप होता है, और ये तो अप्रमत्त हो गया ध्रुव स्वभाव में, तो ध्रुव स्वभाव में अप्रमत्त होने से, प्रमाद नहीं होने से कसाय पाप नहीं होते, और बोलने का भी भाव नहीं आता तो भी कथा नहीं होती, बंद काय से होते थे, भी कथा से, उसे तो बोलने का ही भाव नहीं हो रहा, जब आनंद आता है आत्मा का तो बोलने का मन भी नहीं होता, ध्यान रखना बोलना पड़े तो बोलो, परंतु बोलने की रुचि कभी नहीं रखना, अच्छा लिख लो कम बोलना, हाँ नहीं कम भी नहीं, अपने बोलने की रुचि ही नहीं रखना, बस रुचि, पढ़ने की रुचि नहीं रखना, पढ़ना पड़े तो पढ़ो, लिखना पड़े तो लिखो, लेकिन लिखने की रुचि नहीं रखना, क्या बोल रही हम फिर से बोलो, बोलना पड़े तो बोलो, हाँ रुचि नहीं रखना, पढ़ना पड़े तो पढ़ो, रुचि नहीं रखना, समझो ये मोक्ष मार्ग में बड़ा घातक है, साधुओं को या विद्वानों को मोक्ष मार्ग में उनका पूर्ण शोर तो बढ़ता जाता है और यही भटक जाते हैं, बड़ा और भटके, ओह मैं तो बहुत उपकारी हूँ, मेरे से तो कितने लोग सुन रहे हैं, मुझे तो सबका कल्याण करना है, मुझे तो जगत कल्याण करना है, मुझे तो लेखन भी करना है, मेरे पास बहुत काम है, जीवन थोड़ा है, मुझे लिखना बहुत है, तो लिखने की रुचि, पढ़ने की रुचि, पढ़ाने की रुचि, बोलने की रुचि, ये अंतराय का भयंकर बंद करके वापस ले जाता है, फिर मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, बिल्कुल समझ नहीं रहेगा, ये अपनी तरह से बात है, उन लोगों में कैसे चलेगा, तो उनको भी यही सीखने लायक है कि मत बोल, तो ध्रुव की रुचि कर बोल मत, ध्रुव की रुचि कर सुन मत, ध्रुव की रुचि कर पढ़ मत, क्योंकि पांच इंद्रिय के विषय रूप बदल करके अंतराय खड़ा कर देते, क्या बोला, पांच इंद्रिय के विषय रूप बदल कर के
रूप बदल, पहले वो चीज लिखते थे अभी लिखने लगे, पहले वो गाते थे अभी गाने लगे, पहले वो करते थे अभी कर, अब रुचि का कैसे पता लगेगा कि हम बोलते तो हैं लेकिन रुचि नहीं है, पढ़ते हैं लेकिन रुचि नहीं है, इसका पता कैसे लगेगा? इसका टेस्टिंग, इसकी भी सूक्ष्म बात है पकड़ना। लिखे बिना तुझे दुख हो तो समझना की रुचि है। लिखे बिना तुझे दुख, तुझे दुख हो तो समझना रुचि है, रुचि है, तुझे लिखने की रुचि है, नहीं लिखता है तो तू दुखी हो जाता है, तुझे क्या लगता है मैं लिखता हूँ तो टाइम कट जाता है आनंद से, मैं लिखता रहूँ लिखता रहूँ लिखता रहूँ मैंने आत्मा में नहीं जाऊँ, आत्मा में नहीं जाऊँ, आत्मा में नहीं जाऊँ, तो लिखने की रुचि आत्मा में जाने से रोकने से अंतराय करती है। लिखना पड़े तो लिख लो कमजोरी है, गाना पड़े तो गा लो कमजोरी है, बोलना पड़े तो बोलो कमजोरी है, कमजोरी मानो रुचि नहीं मानो। क्या करता है जी, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे बहुत करुणा से कह रहा हूँ, ऐसे मैंने इतने साधक देखे हैं वो ध्रुव में जाने के काम छोड़कर भी बाकी सारे काम में अपना समय लगा दिया, बिल्कुल हृदय से कह रहा हूँ ये बात। एक करोड़ साधुओं का काम नहीं है करोड़ों अरबों खरबों रुपए के एक बनाया ना फिर पैसा इकट्ठा कराते रहना फिर ऐसे कराना फिर वैसे करा, कुछ नहीं काम, तो ध्रुव में जाना साधना, साधु बना तो ध्रुव की साधना करने के लिए मिला था, रत्नत्र की साधना के लिए मिला था और करोड़ों अरबों खरबों इसमें लगा दी, नहीं नहीं बने मत बने हो, जिस जीव का उपादान की योग्यता होगी तस समय की योग्यता होगी भविता होगा उसे कोई निमित्त मिल जाएगा, मैंने निमित्त बनने का ठेका नहीं लिया। क्या कहा मैंने निमित्त बनने का ठेका नहीं, जिसको जाना वो चला जाए, महावीर भगवान चले गए हमने तो नहीं रुके हमारे लिए, महावीर भगवान जी लिखे गए सुमन तुम लेट आ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें चिट्ठी लिख जा रहा हूँ, महावीर भगवान लिख गए क्या, जब उनने हम पे दया नहीं की तो हमने किसी भी दया नहीं करी। क्या कहा समझ आया कुछ, नहीं बनाया फिर बन गए, अरे तो उन्होंने तो नहीं बनाया, उन्होंने तो बनाने की रुचि नहीं थी ना, ऐसा तो नहीं था ऐसे तो ऐसे तो ऐसे भी यही तो कह रहे बन जाए तो बन जाए, बनाने की रुचि नहीं। तो लास्ट समय जब ये घड़ी सी चार्ज देखना दी घंटी में उनका तो समय आ गया था, तो वो उनके ध्यान अच्छा ठीक पढ़ो 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 और गहराई से पढ़ो, जिसके भाग होता है भवितव्य होता है तो रात को भी मानी गिर जाती है, खेल जाती है, खिलाने की रुचि नहीं है, रुचि नहीं बिल्कुल, मैं अपना हित नहीं छोड़ूंगा किसी के चक्कर में, ये कहना है हमको, आपको पहले अमृत मिलेगा तो आप अमृत मान करोगे कि कराओगे, पहले करेंगे कराते 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 मरेंगे, समझ आएगी थोड़ी मेहनत का मार है, बहुत सरल मार है, बहुत सरल बहुत सरल, अपन तो पहले अपना काम करो। मैंने बिल्कुल अभी हमारे को सवारी साधना कैंप बना रहे तो मैंने आज तक किसी विद्वान को पैसा कलेक्शन नहीं भेजा, पर्चा तक एक पर्चा नहीं छपाई था, एक बोर्ड भी नहीं लगा वहाँ की ये बदल है, किसी को बोला ही नहीं तुम तो पैसा दो, कहाँ जरूरत पड़ी है, बनना होगा तो बने और बन रहा है, बन रहा है, आ रहा है पैसा अपने आप ही आ रहा है, बिना मांगे आ रहे हैं, नहीं हम कहीं ना मांगने जा रहे ना मांगा कुछ नहीं करने जा रहे, हमारे विद्वानों तक मना कर रहा है मत ना पैसे इकट्ठा नहीं करना, तुम इसका काम करो हम भी इसके काम करेंगे, बने नहीं बने अपन जो भी बना लेंगे, क्या करना है पक्का करके, हमको क्या जरूरत पड़ी 10 साल 20 साल रहना है, कहा हमें ए सी कूलर पंखा लगा रहे हमने कहा कुछ नहीं 500 रुपये पर वो लगा देंगे बस ठीक, जितना पैसा हो उतने बन जाएगा, लेकिन आज तक मजे नहीं, अभी तक टेंशन नहीं है, कोई विज्ञापन नहीं है, कोई कुछ नहीं, जिन्हें आत्म साधना करनी है वो इससे फायदा होता है, प्रतिकूलता में वही आती है जो सच्चे साधक होती है, और नकली साधक आके हैरान करते हैं पंडित जी हम आ गए हम आप पंखा हम लाइट दरवाते फिर होंगी क्यों भाई लाइट चली क्या करें भैया का भोजन की व्यवस्था करो भोजन क्या भोजनशाला की बाई भाग गई हम क्या करें हम बनाएंगे नहीं हमने बिल्कुल साफ कह दिया हम किसी को भोजन की सुविधा नहीं देंगे बनाओ खाओ जहाँ खाना है वहाँ खाओ हम नहीं करेंगे आप अपना जो तुम्हें करना है करो हम कुछ नहीं करेंगे हम केवल ध्रुव के सेवा कुछ नहीं करेंगे हमें चाहिए नहीं करोड़ों का सोना चांदी ना दीवारों में सोना लगवाना है ना भगवान में लगवाना कुछ नहीं करना
तो मजा मार्ग ये है हम दुनिया के चक्कर में पापड़ नहीं बेलेंगे। आगे सुनो है अंत्याय का हेतु है यही तुम्हारा पुण्य बढ़ गया तो सुन लुट जाओगे। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं पुण्य बहुत है उनका तो दिन रात एक ही काम है एक ही काम जो आता है उसको कहना उसे पैसा लेना बस छुट्टी क्या है। नहीं हमारे ऐसा पुण्य नहीं चाहिए वो तो ऐसा पुण्य चाहिए जैसा तीर्थंकरों का केवली का मुनिराजों का है कहना पड़े नहीं वो काम हो जाए और कुछ निकल जाए उसका काम हो जाए करना क्या है। बिल्कुल भैया खूब समझना अंतराय का हेतु सोच ना तुम क्या कह रहे हो अंतराय डाला उसका फल है बेटी गाने का हम निषेध हम नहीं करते तुम तो रोज एक भजन रिकॉर्ड करो कोई टेंशन नहीं छिपा के मत करो छिपाने की रुचि अंतराय का हेतु है। अभी 10-5 हज़ार कोई मिल जाए तो अकेले में पता ही नहीं क्या कर सकते जी छिपाने की रुचि में बहुत घात है। बिल्कुल सीधा अमृत पियो सीधा अमृत पियो देख चले आगे भैया देह में प्रीति ना होने से सदा समाधि को तैयार रहता है देह की प्रीति भी अंतराय डालती है। देह की प्रीति अंतराय कैसे डालती है आपको उपसर्ग आएगा वो देह की प्रीति होगी तो केवल ज्ञान नहीं होगा अरे काट रहा है वो मर गए कैसे बचाऊं भगाऊं कैसे बचूं हे देवता कोई बचाओ तो आपने केवल ज्ञान नहीं करने की कोशिश की आप देह की प्रीति नहीं करते तो तत्काल केवल ज्ञान हो जाएगा। क्या बोला बोलो ओहो तो देह की प्रीति उपसर्ग होए परिचय आए देह की प्रीति करने से तो अंतराय आता है केवल ज्ञान दूर हो जाता है। कठिन है बोलो ऐसे तो कठिन नहीं लेकिन अब ये ध्रुव की कुमारी आएगी ना तो इसकी ताकत भी बढ़ेगी इसकी भी ताकत बढ़ेगी चिंता नहीं करना है छोटा नाजुक बच्चा था ना तो कमजोर होता है और धीरे धीरे वो बलवान हो जाता है ऐसे ही ध्रुव की प्रीति वाला बलवान हो जाता है। संगन भी तो जोरदार होगा क्यों डरते हो मेरे को एक बार ऐसे बहुत डर लगा कि मैं हर किसी को डांट देता हूँ ना सही बात पर उसकी गलत बात पर तो उसकी गलत बात पर मैं तो सही डांटता हूँ लेकिन वो कर्म बांध ली कि मैं इनसे बदला लूंगा ऐसे मुझे चिंता हुई तो मैं मुनि बनूंगा ये उपसर करेगा जैसे डर लगा तो अपने को बुद्धि पूरा किसी को नाराज नहीं करना ताकि कोई उपसर ना करे ऐसे चलता था दिमाग में चलता था एक दिन बहुत अच्छा होगा अपने आप ओहो यदि वो उपसर करेगा तो मेरे में उपसर सहने की शक्ति भी तो होगी यहाँ भी तो संगन पड़ेगा डरने की क्या बात है। ओहो कोई व्यक्ति गलत करे तो उसे सत्य बोलने से मत डरो करे उपसर कोई दिक्कत नहीं यदि वो कमर बन सकता है तो मैं भी मजा आएगा मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी से बोल देता हूँ बहुत कट्टर खराब बोलता हूँ खराब बोलता हूँ अच्छा नहीं बोलता खराब मैंने मोए को तो बुरा लग जाता एकदम ये मेरे को बोलती है अरे तेरे को नहीं बोला तेरे मोए को बोला है तू वेद विज्ञान नहीं करता तो दुखी हो जा क्या कहा दुखी हो क्या कर देना उपसर तेरे दम होता बहुत मजा आता है। चलो मैं तो मेरे से नाराज लोग बहुत हैं वो ये बेचारा क्या करे मेरे से खुश होने वाला तो मुस्करे कोई बहुत कम ही लोग मिलेंगे वो नहीं तो कम अपने क्या करना है अपन अपने आनंद में किसी की जरूरत नहीं है। चलो तो क्या हुआ देह में प्रीति नहीं होने से केवल ज्ञान कर लो प्रीति की रुचि होगी भाई ठीक है अपन इस देह को इतनी व्यवस्था देना उसमें लिखा है भगवत की आराधना में इस देह को इतनी व्यवस्था देना जिससे अपने को सामायिक में भी कल्पना कराए सामायिक में भी कम नहीं गए जैसे उबर कर लिया अब दिन भर ऐसे बैठे रहे सामायिक नहीं बन रही कल का इंतजार कर रहे हैं हम 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा 5 तो अगले दिन का दिन गिन रहे तो फिर घंटे नहीं गिनना फिर तो रोटी खा ले हाँ मैं लिखा है उसके
उसका एग्जांपल दिया है, गांव में बैलगाड़ी चलती, बैलगाड़ी बलद गाड़ी बैलगाड़ी चलती, तो वो सूख जाते ना पहिए, उसके चपर चू होते, तो उसमें इतना सा थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, ऑयलिंग ग्रीस डाल देते हैं, ऑयलिंग ऑयलिंग कर देते हैं, तो वो शांति से चलने लगती है। ऐसे ये शरीर यदि अपने उपवास में, तपस्या में, साधना में, सामायिक में, बैठने उठने में, चलने में, ब्याह करने में, पढ़ने में, जब बढ़ चुका है तो थोड़ा दे दे, ऑयल दे दे क्या करना, ऑयल दे दे, हाँ थोड़ा सा दे, थोड़ा सा देना, ज्यादा दोगे तो अंतरा डालेगा, सो जाओगे क्या कहा, हाँ ज्यादा दिया तो सोए, सोए तो अंतरा अंतरा चाहिए किसी को नहीं, अंतरा करने वालों को टिक के बैठना है ना, और ऐसे सहूलियत करके बैठना, ऐसे दो चार आइडिया है उसके सोने की, जबकि ठंड लगे ना जिसको ओढ़ना नहीं, हाँ ओढ़ा चीज आई ठंडों में ऐसा बहुत होता, अपन ऐसे ओढ़ के बैठो सामायिक नहीं होती है, उनको सब सार का बड़ा स्थान होता है सीधा नहीं होता मैं इसलिए बिल्कुल इनको पता है सबको, रात को भी सब हटा देता हूँ, कोई कपड़े नहीं, ढाई तीन बजे रात को भी कुछ नहीं पहनता हूँ, बैठा वैसे बैठा मस्त, मैं तो दो ढाई तीन जितने बजे जगह पूरे कपड़े हटा के बैठता हूँ, आराम से बैठता हूँ, खूब लिखा बड़ी स्वादिष्ट चलता है, समझ आ रहा है, बहुत सरल है काम, लक्ष्य होगा तो काम हो जाएगा, ठंडी लगती तो नहीं, जी तो बहुत अच्छा है, ठंडी लगती है तो नींद नहीं आती है, मन नहीं लगता तो मन को जीतो, ऐसा नहीं एक बंदर के चक्कर में अपन सारी रोटी फेंक दो, बंदर आता है इसलिए रोटी फेंक दो, अरे बंदर आता है तो बंदर को संभाले, रोटी क्यों फेंके, ऐसे ध्रुव की आनंद वेद विज्ञान तत्व चर्चा जी क्यों फेंके, ये तो ऐसी बात हो गई, ओढ़ के सो जाओ तो फिर विकल्प नहीं आना, तो हमको निर्विकल्प होना मतलब जड़ होना, एक केंद्रीय होना, आने दो ठंड आने दो गर्मी, जागृत रहेंगे, जागृत उपयोग रहेगा तो वेद विज्ञान करेंगे, आपने देखा है जब भी आप लड्डू अच्छी मिठाइयाँ खाते हो अनुकूलता रहती है तब भगवान का नाम याद नहीं आता, और जरा भी चोट लगी हे भगवान, जरा चोट लगी जरा हे भगवान, हाँ भगवान तो है तो कब याद आता है बोलो, थोड़ी प्रतिकूलता आती तो हे भगवान करते ही हैं, और खूब मजा आता है तो कौन भगवान किसको भगवान कोई याद ही नहीं करते हैं, मेरे मुँह से भी ऐसा निकला था एक बार, तो गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मेरे मुँह से एकदम निकले हे भगवान, तो मेरे गुरु जी बोले हे भगवान बोलेगा, हूँ भगवान नहीं बोल सकता क्या, समझ आया, हे भगवान बोलती हूँ, भगवान बोलो भगवान, आप भी क्या बोलोगे, तमेपन कोई कितना ही खराब करे अपन दुखी नहीं होना, भाई जज उसको थोड़ा बोल देना, रो ले थोड़ा सा, फिर धीरे से बोल तमे आदे नथी आ कर्म न उदय पण तमे नथी, तमे तो खरेखर छो भगवान छो, भूलेला छो आप बरोबर छे, भूलेला छो पण छो तो हो, तुम्हें भगवान भगवान दिखता है, अरे हमें भगवान भगवान दिखता है तो अंतराय करता है, अंतराय वाला क्या करता है पता है, जब देखो जब आत्मा आत्मा की बात करते हैं तो थक गए की आत्मा से, हाँ तू अंतराय वो अंतराय है क्या कर रहा है, कई लोग मिलेंगे ऐसे आपको अपनी रुचि वाले सब नहीं मिलेंगे, पर ये तो आत्मा आत्मा कर देते हैं, जब देखो जब धर्म 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 इनको सास का कीड़ा बन जाओ तो बच्चों, हाँ मस्त है भैया अपन तो माला फेर ली आराम ठीक है तेरा तू जान, लेकिन लेकिन आत्मा के नाम पर चिढ़ना नहीं, आत्मा के नाम पर चिढ़ना नहीं, चिढ़ाना भी नहीं किसी को, चिढ़ा चिढ़ना नहीं, चिढ़ाना नहीं, बंदा भगवान छो बंदा भगवान था, ये शुभेच्छा ये शुभेच्छा बस है ना, कभी कोई को लिखना पड़े तो इतना लिखना बस खत्म, इससे ज्यादा लिखना ही नहीं, कुछ नहीं ये बहुत मैं देखता हूँ क्या क्या लिखते रहते हैं साधु लोग भी, कोई को खुश करने के लिए डायरी में क्या क्या लिखते रहते हैं उल्टा सीधा, अरे अपना तो एक ही मंत्र है बंदा भगवान छो भगवान था, ये शुभेच्छा क्या कहा,
सब भगवान के चलो आगे चलो। ध्रुव स्वभाव में शंका नहीं। अब ये सुनो भैया, ध्रुव स्वभाव में आठ अंग, समय दृष्टि के आठ अंग पहले पढ़ा दिए, समय आठ अंग अभी पढ़ाई निशा के अधिकांश एक लाइन में बता रही हूँ। ध्रुव स्वभाव में शंका नहीं, निशंकित हो गया। ध्रुव स्वभाव में निर्मल पर्यायों की भी वांछा नहीं, निकांचित हो गया। हाँ वही है ना, निर्मल पर्याय की भी कांक्षा नहीं रही। हाँ हाँ, रहे हुए विकारों के प्रति गिलानी नहीं रही। उल्टा उल्टा पढ़ा मन ने, राग द्वेष को बहुत ऐसे करोगे। अरे राग द्वेष बुरा नहीं है, तू उधर देखता ही बुरा है। क्या बोला? राग द्वेष बुरा नहीं है, उधर देखता ही बुरा है। राग द्वेष पैदा क्यों हो रहा है? बस ठीक, तो रहे हुए विकार के प्रति गिलानी नहीं, निर्मित चिकित्सा। कथन व्यवहार में परमार्थ साधक होने से मूड नहीं होता, मूड दृष्टि। ध्रुव स्वभाव से विरोध की प्रशंसा एवं स्तुति असंभव, असंभव है। ध्रुव स्वभाव से विरोध की प्रशंसा और स्तुति असंभव। और सुज्ञाय को जानकर निर्भरता हो, आत्मबोध पाकर निहाल हो गया, सर्व समाधान हो गया। एक को भूलने पर समस्त पापों का बंद और एक को जानने पर समस्त आराधना प्रारंभ हो गई और पूरी भी हो गई। एक को ही जानने पर आराधना प्रारंभ भी हुई और पूरी भी हुई और पूरी भी हो गई। ये सब आठों कर्मों का हो गया। कोई कर्म बचा तो और पूछ लेना, साता असाता। हम दशनावंडी ज्ञानवंडी एक साथ चलते हैं, आप इसको भी लिख लो। जो आंखों से बाहर देखना चाहता है उसको दशनावटी कमरा बंद होता है, और जो अतिथि दर्शन से देखना चाहते हैं उनको दशनावटी कर्म का बंद नहीं होता। अब इस सूत्र में बहुत से मिल जाएंगे आपको, तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र टीका मिल जाएंगे। दूसरों का देख नहीं सके, दूसरों का भला नहीं देख सके, दूसरों का अच्छा नहीं देख सके, वो सब आँख खराब होने वाली स्थिति है। और दूसरों को भगवान ना दिखा सके उसको भी दशनावंडी कर्म का बंद होता है। क्या बोल गए, जल्दी बोल गए, बोलो बोलो बोलो। दूसरी लाइन बोलो, पहली तो दूसरों को भगवान नहीं देखते हो दिखाते, इससे दशनावंडी कर्म का आश्रय बंद होता है। बोलो दूसरे को, बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल ही पड़ती है किसी भगवान देख जी। और भगवान जी कहाँ से निकल के आ गए, मोक्ष मार्ग में बदनाम कर रहे, जेल शासन में बदनाम। अरे तू क्या कर रहा है, धैर्य रख, जैन शासन में जो भी आया है एक ना एक दिन पवित्र हो जाएगा। तू धैर्य रख, हॉस्पिटल में आया तो सही हो जाएगा। तू घृणा मत कर, मोक्ष मार्ग में अच्छे लोगों को आना चाहिए, खराब लोगों को आना चाहिए। बोलो पूरे लोग वही सुधर। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अंतराय का छोपन होगा, समझ में आना। अंतराय का छोपन है, एक बात रहेगी वो थोड़ी, चलो पूरी कर लो इस कहानी, फिर मैं बताता हूँ ठीक। उसको क्या हो गया फिर? अरे कोई कहानी चल रही थी बीच में, बहुत छपक। एक सुज्ञायक नाम का लंका का लड़का था, हाँ अप्पा स्वामी के पास आया था सुज्ञायक नाम का। तो सुज्ञायक जो था वो बोला, अरे करने को तो कुछ ही नहीं बचा, एक बस एक ध्रुव ही रहा बस। तो ध्रुव, ओहो मेरी तो महामहिम, मेरी सत्ता, आनंद छा गया। दुनिया को चमत्कार लगता था, अब क्या चमत्कार लगता था वो सुनना है, कहानी खत्म होने वाली है। गुरु बनने तैयार नहीं, अभी गुरु बने जा रहे थे। क्या कहा, गुरु बनने तैयार, तीर्थ तक का गुरु बनते हैं, गुरु बनने की रुचि नहीं है, गुरु बने जाते हैं। जो शिष्य नहीं बना रहे थे उनके शिष्य बन रहे थे, जो समझा नहीं रहे, जो समझा नहीं रहे थे उनके निकट लोग समझ रहे थे। जो समझा नहीं रहे थे, आपने देखा आप किसी को ज्यादा समझाए तो छोड़ भाग जाता है।
और जो नहीं समझाता ना उसके पास जाके सलाह मांगते तुम बताओ, तो होता है ना वो ज्यादा सलाह देता तो अपन भाग जाते, वो आता भी तो भाग जाते, हमें पता ही सलाह दी मेरे पास ही भाग जाते हैं, मैं सलाह देता हूँ बहुत हम भाग जाते हैं, अब बिल्कुल नहीं बोलो तो फिर बाद में धीरे से आते हैं, एक बात पूछना है, अरे पूछो पूछो, अब पूछते आ जाओ बता, समझ में आया, प्रेरणा बिना प्रेरित हो रहे थे बोलो, बिना साधु प्रेरणा नहीं दे रहे थे वो सब लोग प्रेरित होते जा रहे थे, सुविधाएं छूटने पर भी अवसर वो परिसर में मुस्कुरा रहे थे, क्या सुविधाएं नहीं होने पर भी अवसर परिसर में मुस्कुरा रहे, क्या चंपा बिना पढ़े सुने केवल ज्ञान, कितना विरोधी अहंकार, बिना ही पढ़े सुने केवल ज्ञान, और नहीं चाहने पर भी रिद्धि सिद्धि के भंडार, 64 रिद्धि, नहीं चाहने पर भी रिद्धि सिद्धि के भंडार, और वे रिद्धि सिद्धियां भी उपेक्षा पाकर शोभा पा रही थी, कुछ कह गए 64 रिद्धियों की उपेक्षा करते हैं, आदर नहीं करते हैं, और बहुत बढ़िया रिद्धि आगे मेरी 5 रिद्धि, मेरी 10 रिद्धि, मेरी तो रस रिद्धि है, मजा आ जाता रस रिद्धि खाओ तो मजा ही मजा, वे एक भी रिद्धि का आदर नहीं करते, और फिर भी 64 रिद्धि भक्ति नहीं है उनके पास है, उनके पास सुबह पाए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पसंद नहीं करें उनसे सुबह बढ़ रही, वे 64 रिद्धियां भी सुबह पा रही थी उपेक्षा पाकर भी भंडा, 64 रिद्धि कैसी थी पता है, भंडार में भंगार बनकर क्या समझ आया, भंडार में भंडार बनकर पड़ी रिद्धियां अपने को धन्य अनुभव रही थी, रिद्धियां अपने को धन्य अनुभव रही थी, हम तो भैया इनके पास है, इनके पास रहने से हमारी शोभा बढ़ गई, समझ आया जी, जैसे आप कह रहे लाठी में वो एक कोने में रख देते आप तो वो सब सो पा रहे यार, क्या गाना हम किन के हाथों में, हम किन के हाथों में वो सो पा रहे, ऐसी 64 रिद्धियां आत्मा तो उनका आदर नहीं करते, भंडार में बंगाल के बंगाल नहीं सर कवाड़ा फालतू सामान के स्टोर कवाड़े की तरह पड़ी, माल कोई हमें था भी नहीं दिखा भी नहीं, क्या कहा माल कोई था भी नहीं दिखा भी नहीं, दिखा भी नहीं, अप्पा स्वामी के पास आकर वो सो गया कि माल कोई और था भी नहीं और दिखा भी नहीं, सो चल पड़ा मग्न होकर निर्गंध दिगंबर, मिल गया माल, मिल गया माल फल, क्या दो चीज मिली, क्या क्या मिला, माल फल गया, माल मिल गया और माल फल मिल गया, मैंने रत्नत्रय वो केवल ज्ञान, एक दिवस मुक्ति का किसी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, कहानी खत्म, एक दिवस क्या क्या मिल गया, एक लाइन में मार्ग मिल गया, फल मिल गया, मार्ग फल मिल गया, केवल ज्ञान हो गया, रत्नत्रय हो गया, और एक मोक्ष ही हो गया, किसी को अचंभा नहीं हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्यों आश्चर्य था, अरे दूध में शक्कर डाली पीछे हो गया तो आश्चर्य क्या, हेलो दूध में शक्कर डाली और दूध मीठा हो गया तो आश्चर्य क्या, आमा अचंबा नहीं सुबात से, अनेरी सुबात से क्या, आमा अनेरी सुबात से, छोटी सी पर्याय नानिया पर्याय करती मोटू काम, आमा अनेरी सुबात से, फिर क्या हुआ उनका मोक्ष हो गया सुज्ञाय का, लेकिन परम गुरु पे तो वही भाई थे कौन अप्पा स्वामी, तो गुरु परम गुरु को झुक गए, गुरु से परम गुरु बन गया और गुरु गुरु ही रह गए, तो गुरु परम गुरु को झुक गए, हमारी ये कहानी खत्म हो गई, ठीक अभी और भी कोई कर्म मांगी रह गया तो बता दें, वो बता देंगे, अभी थोड़ी बात बीच में रह गई,
अंतराय कर्म के बारे में भ्रांति व्यवहार नहीं से स्थूल बनाने की वजह से हम स्थूल ही घटाते रहते हैं। मैंने पूरे जीवन सुना है स्थूल दान आंद है। मेरी मम्मी कहती थी कि भैया मेरे पिताजी मुझे दंड देते थे, इसको रोटी मत देना। क्या दंड देते थे? रोटी मत देना, पढ़ता नहीं था रोटी मत देना। और मेरी मम्मी कहती तुम कच्चू करो जो मत करो। समझिए क्यों? हाँ, फिर हमें भोजन नहीं मिलेगा, हम साधु बन जाएंगे तो हमें आहार नहीं मिलेगा, गोचरी नहीं मिलेगी। ऐसे कर्म मत करो, तुम तो और मारो पीटो सताओ बांधो कछु करो। उसमें उन्हें अंतराय नहीं दिखता था, उन्हें क्या दिखता था कि रोटी नहीं देंगे तो अंतराय कर्म बदलेगा। तो मैं भी सोचता था अंतराय। आदिनाथ भगवान के बारे में ऐसे कहते हैं, उन्होंने मुख पे वो मन बांधी थी तो उनको अंतराय पड़ गया, 6 महीने 7 महीने 9 दिन उनको आहार नहीं मिला। कितने महीने? अंतराय का उदय कब कितना हुआ? 6 महीना तो खुद मर्जी से नहीं गए आहार लेने, 6 महीने तो आहार लेने खुद ही नहीं गए, वो अंतराय का उदय थोड़ी था। नहीं समझ में आया? आज आपने उपवास ले लिया तो अंतराय का उदय। अब उपवास करना 6 महीने का उपवास था आदिनाथ भगवान को और 7 महीने 9 दिन फिर आहार की विधि नहीं मिली, वो अंतराय का उदय। कौन सा अंतराय का उदय? लाभांतराय। कौन सा उदय है? लाभांतराय का उदय है। लेकिन ये बात सांची न थी, ये तो असतक निधि का उदय। क्यों? सुधा बेदनी का उदय है और सुधा का भोजन नहीं मिल रहा है तो अंतराय तो वहां पड़ा है, तो अंतराय को अंतराय कर्म नहीं है, ये तो घातीय कर्म में अंतराय। यदि भोजन नहीं मिलना अपन अंतराय कर्म का उदय मानेंगे तो सिद्ध भगवान को अंतराय का उदय मानना पड़ेगा। नहीं, क्यों? सिद्ध भगवान को रोटी नहीं मिलती। पॉइंट पकड़ में? सुधा बेदनी को भोजन नहीं मिला वो असाधा बेदनी है। कुछ लेकिन समझाने के लिए आम पब्लिक को वो अंतराय कह करके समझाया है। मैंने पहले कहा था केवल ज्ञान गम्य शून्य बात लोगों को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? घातीय कर्म में कौन सी प्रकृति है? अनुजीवी की प्रतिजीवी। समझते हैं अनुजीवी प्रतिजीवी? प्रतिजीवी है। हाँ सॉरी, अनुजीवी सही है। अनुजीव समझते हैं, जो आत्मा की सत्ता में पाए जाते हैं वो अनुजीवी होते हैं और जो आत्मा की सत्ता में नहीं पाए जाते वो प्रतिजीवी होते हैं। तो 4 घातीय कर्म है अनुजीवी और 4 अघातीय कर्म है प्रतिजीवी। प्रतिजीवी अनुजीवी प्रतिजीवी समझ आया? ज्ञान दर्शन चारे सुख भी ये क्या चीज है? अनुजीवी। इनका घात करता है तो घातीय कर्म बराबर बोलो बोल बोला करो। ज्ञान दर्शन चाहे सुख भी ये आत्मा के अनुजीवी गुण हैं। ये आत्मा के अनुसार जीते हैं इसलिए अनुजीवी, आत्मा के अनुसार जीते हैं अनुजीवी। इनमें घात होता है तो अनुजीवी घात करे तो घात यह कर्म कहलाता है। और जो प्रतिजीवी होता है वो उद्गल आश्रित होती है बेदनी आयु नाम गोत्र एक ही है। हाँ बहुत कल विपाकी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ अंतराय कर्म घातीय कर्म है तो ये बेदनी में कहाँ से आ गए? ये पॉइंट पकड़ में आया? कुछ पॉइंट पकड़ में आया? पूछना आपस में पढ़ाई करना इसकी। ये क्या है? मैं फिर बोला, तीसरी बार बोल रहा हूँ, सूक्ष्म बातें लोगों को समझ में नहीं आती तो निश्चय नहीं व्यवहार नहीं से स्थूल करके समझाते हैं। लेकिन वो सच्चे नहीं, क्योंकि आप आरण सिद्ध में घटाओगे। सिद्ध भगवान को 4 घातीय कर्म का उदय है कि नहीं? नहीं, नहीं।, नहीं। तो फिर आहार नहीं मिलता तो नहीं। कोई उनको दान नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं। बोलो भोग ही नहीं करते। बोलो क्या भोग करते हैं? समझ ना आपस में अब समझाने के 4-5 भेद किए। वास्तव में तो ध्रुव का वेदन करते हैं ये अंतराय कर्म का अभाव। तो प्रति समय ध्रुव का वेदन करते हैं ये भोग अंतराय का अभाव। फिर उसी ध्रुव को बारंबार भोगते हैं वो भोग अंतराय का उदय अभाव। और
स्वयं स्वयं में लाभ को प्राप्त हो गए हैं, ये लाभांतराय का अभाव, लाभांतराय का अभाव। एक समय में एक ही पर्याय का भोग करते हैं, वो भोग अपनी पर्याय अपने को देते, किसी और को नहीं देते, अपना सुख किसी को नहीं देते, तो कंटिन्यू दान चल रहा है, दानांतराय का अभाव, कंटिन्यू आनंद सुख अपने को दे रहे हैं, ये दानांतराय का अभाव हुआ है। हाँ, वेदनी और अंतराय इसलिए समझ में आ रहा है कि हमने अभी तक उल्टी पढ़ाई पड़ी है, पढ़ी है, सबने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी थी, ये तो हमारे एक वक्ता थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत अच्छा समझाया, 40 साल पहले 45 साल पहले, तब से वो पकड़ आई बात, समझ में आया। एक्चुअली समझाते हैं बाहर से, केला कैसा होता है, हरा की पीला, समझ में आएगी ना, ऐसे ही समझाने का तरीका है, हरा पीला, तो ऐसे अंतराय कर्म समझाएं कैसे, आप बताओ कैसे समझाएं आम पब्लिक को, तो बाहर से समझाया, तू दान नहीं दे पाता, तेरे को लाभ नहीं हो रहा बिजनेस में, वो आप मिल जाएंगे सिर, तेरे को बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, तो लाभ अंतराय का तेरे उनको ऐसे करने के लिए ऐसा काला धागा पहन फला कर, ऐसा गंडा ताबीज मान दान दे, हाँ भाई समझ आया, जो समझाने की शैली हो गया, हम तो कह रहे लाभांतराय लोग यही कहते हैं, हमें व्यापार में लाभ नहीं हो रहा तो लाभांतराय का उदय, अरे वो तो असाधा वेदनी का उदय, यदि कहना हो अच्छी भाषा में तो साधा वेदनी का अनुदय है, फर्क पड़ा है क्यों, साता बेदनी में तो धन आता है, कैसे आता पैसा घर में, सुविधा कैसे मिलती है आपको, तो शरीर वो भी तो शरीर की सुविधा का लिए है, मकान का के लिए मिलता है, भोजन ऐसा का के लिए होता है, तो साता बेदनी से कनेक्ट है पूरा, आत्मा से तो नहीं, तो फिर अंतराय के अंदर शरीर रिलेटेड सारी चीजें जाएंगी, तो उसी में जाएंगी, हाँ अब अपनी समझ में आई, अपन क्या कर रहे हैं, हम तो लाभांतराय का ऐसा समझा थे, लेकिन सिद्धों में सब ऐसा समझा, खुद नहीं समझा, बिल्कुल सिद्ध भगवान को लाभ का क्षय हो गया, हो गया कि नहीं, अंतराय कर्म का क्षय हो गया, तो फिर क्या लाभ हुआ, कि अनंत सुख अपने को ही दे रहे हैं, अनंत सुख खुद ही ले रहे हैं, अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं, और अनंत सुख भोगने की शक्ति है, शक्ति है बराबर, ये तो पांच भेद की भी जरूरत नहीं है, तो समझाने के लिए भेद किया है, खरे घर तो ध्रुव का निरंतराय भोग करना ही, बोलो आगे बोलो, लाभांतराय का अंतराय कर्म का, अंतराय कर्म का क्षय है, अंतराय कर्म का क्षय, ये तो समझाने के लिए बहुत भेद प्रवेद करते हैं, सूक्ष्म बात इतनी है कि निरंतराय आत्मा का भोग करते हैं, हाँ मोहिनी का भी क्षय हुआ, चार गातियां कर्म तो चारों का क्षय हुआ, हुआ चारों का, उसकी वजह से हो रहा है कि अंतराय के जो प्रकृतियां थी ना उनका अभाव हुआ, क्या हुआ कैसे हुआ, किसे पढ़ाने के लिए कल पढ़ाएंगे आपको, इसकी चर्चा होगी अभी, अभी जो आपने प्रश्न उठाया ना इसकी चर्चा कल बहुत विस्तार से, बहुत मिक्स होता है, बहुत मिक्स होता है, अपने को ऐसा लगता है कर्म मेरे को राग करा रही है और मैं राग करता हूँ तो कर्म बनते हैं, सच्ची बात है कि नहीं, कर्म के उदय में राग करते हैं और राग करने से कर्म बनते हैं, तो मोक्ष तो कभी होगा ही नहीं, दूरी कर दिया, मोक्ष कैसे होगा बोलो, जब हम भाव कर्म करेंगे तो द्रव कर्म, और द्रव कर्म उदय में भाव कर्म, चैन तो टूटेगी नहीं कभी, बोलो इसका उत्तर कल देंगे, कल इसका उत्तर देंगे, क्या अब तो समझ आ गए, अंतराय अंतराय समझ आए, अंतराय डालना हो तो क्या करो, एक लाइन में जवाब, निरंतराय रहने वाले ध्रुव का वेदन कर, रो मत, रोना कैसे कहते हैं पता है, ध्रुव को तो देखता नहीं और इधर देखता है तो रोता ही रहता है, एक भी आदमी ऐसा नहीं जो नहीं रोता, एक भी सिंगल पर्सन, करोड़पति हो, अरबपति हो, एसी बैठा हो, कूलर बैठा हो, सब बैठा हो, खाने पीने के भंडार पड़े तो भी रोता है, देख लेना
लेकिन निरंतराज रूप को देख तो अंतराय कर्म कट जाए। देख लेना कभी तुम इधर इधर देखोगे तो रोते ही रहोगे। देख लेना 10 आइटम खा लोगे तो 11 को रोगे, 11 बार खाओगे तो 12 को रोगे। दुखी व्यक्ति कोई ने आपको वस्त्र भेंट किए, वस्त्र दान दिया ना कोई ने आपको, अब एक का थोड़ा छेद था हल्का सा, नहीं देखते जब तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत बढ़िया कपड़ा लग रहा था, खूब बढ़िया इस सेठ ने बहुत अच्छा कपड़ा दिया, और खोलते ही सबके कपड़े साझे थे और अपना इतना सा छेद था, सबके तो अच्छे मेरा छेद वाला। और अब कपड़ा तो पहन ही रहा है शरीर, शरीर को नो प्रॉब्लम, नो अंतराय, शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आत्मा घातिया करो जबरन दुखी हो गया, जबरन दुखी बाहर देखेगा तो रोएगा रोएगा रोएगा। ध्रुव के सिवा कोई सुखी करने वाला नहीं, ध्रुव के सिवा कोई सुख मिलने वाला नहीं। कितनी खुशी की बात है कि हर पर्याय में ध्रुव अवेलेबल, ये तो अनअवेलेबल है, ये तो अनअवेलेबल। तुम शरीर को देखोगे तो भी दुखी हो जाओगे, अब ये जीर्ण हो रही है और 10-5 साल और 2-4 साल और 1-8 साल चलो चल रहा है, रोगे इसे देखोगे तो रोगे, इसे देखोगे तो पक्का रोगे, और ध्रुव को देखो हर पर्याय में ध्रुव अवेलेबल, और यहाँ तो अन अवेलेबल है ही नहीं, समझ आया? हाँ हाँ मेरे बात है, बस हो गया। निज निधि निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए दिन मा